So slope of demand curve would be change in y variable over change in x variable. In this case, change in, yes, c kya, kaun sa c, demand curve likha hai bete, theek hai. So delta q, x axis par kaun sa variable hai, quantity demanded, so delta q, right? So in this case, how much is change in price? अगर हम A to B की स्लोप देखें, तो प्राइस क्या है, P1 था, P हो गया, यानी P1 माइनस P, या OP1 ऐसे कर लो, इस पूरे को हम बोलते हैं ऐसे, OP1 माइनस OP, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा Q. अब हम B की स्लोप देख रहे हैं ना, A to B, तो A to B में पहले डिमांड कितनी थी, OM, अब कितनी हो गई, OM one, that is OM minus OM one. So whatever the answer is, that would be your slope. यहाँ पे क्योंकि मैंने प्राइस, जैसे अगर मैं इसको ये ले लूँ, ये वन है, ये टू है, ठीक है, और ये टेन है और ये ट्वेंटी है, तो स्लोप क्या होगी, टू माइनस वन डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20, 1 अपॉन 10, ठीक है, माइनस में आ रही है, माइनस में आएगी क्योंकि हमारी स्लोप जो है वो नेगेटिव है. सो दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू. फॉर दैट मैटर, स्लोप ऑफ एनी कर्व, हमने सिर्फ डिमांड कर्व की नहीं याद करनी, हमें ये पता होना चाहिए किसी भी कर्व की स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो वेरिएबल हमने y एक्सिस पर लिया है उसको डिवाइड कर देते हैं उस वेरिएबल के साथ जो कि हमने x एक्सिस पर लिया है. नाउ इन दिस केस, दिस डिमांड कर्व इज लीनियर और नॉन लीनियर, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर. लीनियर वर्ड किससे बना है पता है आपको, लाइन से बना है, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो जब भी कर्व, किसी भी शेड्यूल को जब हम कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कर्व लीनियर आता है यानी कि स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रोपोर्शनेट है, ठीक है. उस केस में जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी, चाहे आप इस पॉइंट पे मेजर कर लो, चाहे आप इस पॉइंट पे मेजर कर लो, स्लोप विल बी सेम. क्यों? क्योंकि चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इज सेम हेयर, ठीक है. आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैंने आपको डिमांड शेड्यूल बनाया तो मैंने ये वाली एग्जाम्पल दी, चाहे मैंने हाइपोथेटिकल फिगर्स ली, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि 1, 2, 3, 4, 5, 50, 40, 30, 20, 10, यानी मैंने हमेशा ये लिया, कॉन्स्टेंट चेंज लिया. With one unit change in price, there is always a constant change in demand. जब इस तरह का हम शेड्यूल लेते हैं या जब डिमांड में कॉन्स्टेंट चेंज आता है प्राइस के करके, तो डिमांड कर्व ऐसा बनता है, लीनियर बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है. तो वो हर पॉइंट पे आपको सेम स्लोप देगा क्योंकि स्लोप कॉन्स्टेंट है. देखो, दिस स्लोप इज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मीन्स इट विल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट. ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इस डिमांड शेड्यूल को चेंज कर दूं, विद राइज इन प्राइस डिमांड फॉल ही होनी है, लेकिन अगर इस तरह से फॉल हो रही है, 40 के बाद से 34, उसके बाद से 26, उसके बाद से 20 या 18, और इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका कर्व ऐसा बना, ठीक है. इस केस में जो स्लोप है दैट विल डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. देखो, चेंज इन डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस 10/1, चेंज इन डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस 6/1, दिस इज 8/1, 6/1, तो वेरी हो गया ना,
वहां पिछले केस में हर केस में 10 10 10 स्लोप आ रही थी, 1/10 1/10 1/10, इस केस में 1/10 1/6 1/8 1/6 वेरी कर रही, ठीक है। सो लेकिन हमारे कोर्स में लीनियर डिमांड कर्व ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बातें कि अगर स्लोप हर पॉइंट पे सेम है तो व्हाट काइंड ऑफ डिमांड कर्व यू विल गेट, एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। इफ स्लोप इज सेम एट एवरी पॉइंट, यस, व्हाट काइंड ऑफ डिमांड कर्व यू विल गेट, और ही मे गिव यू फोर ऑप्शंस, टिक द करेक्ट डिमांड कर्व ए बी सी डी। इफ slope of demand curve is constant at all the points, what shape of demand curve would be? A. ठीक है, if slope of demand curve varies from point to point, it could be this, it could be this. Slope कम होती जा रही है तो ये होगा convex होगा, slope बढ़ती जा रही है तो ये होगा, क्योंकि ये दोनों देखो negatively slope है और दोनों ही नॉन लीनियर है, तो चौथी ऑप्शन क्या देगा वो, बोथ बी एंड सी। तो आपने किसको टिक करना है, बोथ बी एंड सी, कॉन्वेक्स भी हो सकता है कनकेव भी। क्या चीजें ध्यान में रखनी है, पहली बात तो कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। दूसरा, अगर स्लोप कॉन्स्टेंट है तो ये डिमांड का स्ट्रेट लाइन, अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो नॉन लीनियर, कर्वी, दिस इज कर्वी, दिस इज ऑल्सो कर्वी, राइट। चले आगे, सो दिस वॉज अबाउट स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ओके, डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of following equation, qx equals a minus bp, where q refers to quantity demanded of a commodity, you need to write it down, q refers to quantity demanded of a commodity, a value of x, x में क्या हमने रिप्रेजेंट किया है, x एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट किया है, क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी, व्हेन y इज जीरो, y पर क्या रिप्रेजेंट किया है, When y पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, प्राइस, सो when प्राइस इज जीरो, ठीक है, when y दैट इज प्राइस इज जीरो, then b इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन डेल्टा पी, चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस, ठीक है, एंड पी इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पी क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। बेटे लिख लिया सबने, मैं सेटिंग कर रही हूं माइक की, आप लिख लो, बाय दैट टाइम पी इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। बेटे देखो, इकोनॉमिक्स में जितने भी फंक्शंस हैं, रिलेशनशिप हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक शेड्यूल की फॉर्म में, यहां पर डिमांड को हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, डिमांड शेड्यूल की फॉर्म में, दूसरा कर्व की फॉर्म में। अगर मैं इसका एक कर्व बना दूंगी तो मेरे पास, अगर मैं इसको ग्राफ में प्रेजेंट कर देती हूँ
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा. वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप इज दिस. इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल. अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप इज दिस. इसको क्या बोलते हैं, कर्व. थर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप इज दिस. इसको बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी इक्वेशन. मैथमेटिकली आप दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो इन दिस वे. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी पी. क्या मतलब, यू वॉन्ट टू नो वॉट इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स एट वेरियस प्राइसेस. यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप. आपको मैं अगर लेट अस से दिस कांस्टेंट ए इज 10, क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्राइस, दैट इज 1 ओवर स्लोप इज 2, तो ये रिलेशनशिप बन गई. क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 2p. अगर मैं आपको वेरियस प्राइसेस बता दूं तो आप उन प्राइसेस पे डिमांड फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं. अगर मैं बोलूं ये पेन 1 रुपए का है, ये पेन का एक इक्वेशन है, पेन की डिमांड फाइंड आउट करो. दिस पेन कॉस्ट मी ₹1, फाइंड आउट द डिमांड ऑफ पेन. बोल, फाइंड आउट 2 × 1. मैंने आपसे क्या पूछा बेटे, प्राइस कितना है 1, तो मुझे क्वांटिटी डिमांडेड बताइए. आपने क्या आंसर दिया, 8. अब ये पेन हो गया 2 रुपए का, 2 × 2, 4, 10 − 4 डिमांड कितनी हो गई, 6. अगर प्राइस हो जाए 3 रुपीज, डिमांड कितनी हो जाएगी, 4. अगर प्राइस हो जाए 4, डिमांड कितनी हो जाएगी, 2. अगर प्राइस हो जाए 5, डिमांड कितनी हो जाएगी, 0. सो व्हाट डू वी गेट, व्हाट डू वी गेट, डिमांड शेड्यूल. कैसे पता चला हमें, ये एक्सप्रेशन से, ये इक्वेशन से. ठीक है, ए इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज 0. यानी अगर ये डिमांड कर्व है और इसको मैं अगर एक्सटेंड कर देती हूं, ठीक है, तो इसमें ए क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 0. यानी ये वाई 0 है यहाँ, सॉरी यहां पर वाई 0 है, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू. यहां पे एक्स 0 है ना, और ये वाई की वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट ए. ठीक है, ओके. सो राइट डाउन द डिमांड फंक्शन ऑफ ए गुड. द डिमांड फंक्शन ऑफ ए गुड इज quantity demanded equals 20 − 4p. calculate its slope calculate its slope. Anyone? Slope. What is this B? This represents B. B kya hota hai? Delta Q over delta P. Aur slope kya hota hai? Delta P over delta Q. Yani iska reverse. That is 1 by B. 1 by B, B kya ho gaya? Minus 1 by 4. So slope is minus 1 by 4. जो हमारा b है उसका reciprocal. ठीक है, these are important for MCQs.
डू नॉट थिंक दैट एमसीक्यूज विल बी यू नो सिंपल वंस. थ्री टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड. सिंपल एमसीक्यूज जिसमें आपको चार ऑप्शंस हैं उनमें से एक करेक्ट चूज करना है. कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज जिसमें आपको दो तीन तरह के वो हो सकते हैं, एक सीक्वेंसिंग वाले हो सकते हैं. चार स्टेटमेंट्स गिवन है, 1 2 3 4, उसका करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, जैसे लेट अस सपोज अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है या मीडियन कैलकुलेट करना है. मैंने यहां लिख दिया अरेंज दी डेटा. ठीक है, यहां पे लिख दिया कैलकुलेट सीएफ. ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला. यहां पे लिख दिया एनीथिंग, जो भी कोई भी एक और मैंने बना दिया. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, अरेंज दी डेटा. दूसरा स्टेप कैलकुलेट सीएफ. हो सकता है मैंने इंक्लूसिव सीरीज दे दी तो वहां यहां पे लिख दिया कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव. अब फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव. सेकंड अरेंज दी डेटा. थर्ड कैलकुलेट सीएफ. फोर्थ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. ठीक है, सो इस तरह के सीक्वेंस